अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं जीसी यूनिवर्सिटी जो लाहौर है उसके एडमिशन्स का बताऊंगी तरीका कि उसको अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। ठीक, सबसे पहले हम जो है उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि वो सबसे पहले जो वो कहते हैं, प्लीज़ रीड एडमिशन नोटिस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड ई प्रॉस्पेक्टस केयरफुली फॉर मेजर ग्रुप प्रोग्राम विच यू वॉन्ट टू अप्लाई, ताकि आपको अच्छे से पता हो कि आपने किस चीज़ में अप्लाई करना है। ओके, फिर नेक्स्ट वो कहते हैं साइन अप टू क्रिएट योर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन अकाउंट विद अ वैलिड ईमेल एड्रेस ऑन एडमिशन पोर्टल। फिर क्या है, आपने जाना है एडमिशन पोर्टल पर और वहाँ जो है अपनी ईमेल आईडी देनी है, क्योंकि उसी के ज़रिए फिर आगे अपना अप्लाई कर सकेंगे, आगे फर्दर जो है आपके साथ उनसे कॉन्टैक्ट कर सकेंगे। After sign up successfully, a system generated email will be received on your given email address. उस पर वो जो है वो आपको एक्टिवेशन लिंक भेजेंगे, जिससे जो है आप जो जी सी यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है उससे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपका एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने लॉग इन करना है उसमें, उसके उसमें जो है अपना पासवर्ड और ईमेल डालनी है। नेक्स्ट जो है आप जो है स्टेप वन आ जाएगा, उसमें है सबसे पहले जो है प्रोफाइल आपने अपनी अपग्रेड करनी है, जिसमें जो है आपने अपनी पिक्चर डालनी है और जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी तमाम जो है डिग्रीज जिसमें आपने एडमिशन लेना है, उस हिसाब से जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, CNIC, बे फॉर्म वगैरह जो है सब आपने जो है वहाँ पर अपलोड करना है। फिर सेकेंड स्टेप आ जाता है अकेडमिक्स, उसमें जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो डिग्री वगैरह है उनको ऐड करना है। नेक्स्ट थर्ड आ जाता है प्रोफेशन, कि अगर आप फर्ज करें कोई जॉब होल्डर है, जैसे अक्सर लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आपने उसके बारे में देनी है, लागे लाजमी नहीं है। अगर आप जॉब होल्डर नहीं है, सिंपल स्टूडेंट हैं, तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप फोर, जो है फाइनल हो गई। अब जो है अगर अप्लाई करते हुए जो ना आपको अलग अलग, अगर आप अगर फर्ज करें कैटेगरीज में करना चाहते हैं, कि शायद किसी में मतलब आपका हो सकता है कि जो कि किसी में आपको हो सकता है मेरिट के हिसाब से ना हो, तो इसलिए जो है आपको वन बाय वन फॉर्म फिल करना पड़ेगा सेम अकाउंट से। ओके, स्टेप फाइव आ जाता है चलान फॉर्म, जो कि है जब जनरेट होगा जब आप जो है अपनी पिक अपलोड कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो है आप अपना प्रिंट चलान करें, जो है चलान का प्रिंट निकालेंगे, उसको डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बाद जो है आप अपने फॉर्म की जो है सॉफ्ट कॉपी हासिल करेंगे, प्रिंट निकलवा सकेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें एंड पे आ जाती हैं, कि जो है लाजमी आपको जो है चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो है अपना मेजर सेलेक्ट कर रहे हैं वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। ओके, और जो है जो लोग टाइम से अपना डिपॉज़िट नहीं कर सके, अपना चालान फीस वगैरह जमा नहीं करवा सके, उनको फिर दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है अपनी इंफॉर्मेशन पुट करते हुए ख़ास तौर पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके जी, अब जो है ये लास्ट में मैंने आपको दे दिए हैं ये नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं, जहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अपनी जो है प्रॉब्लम की सूरत में। ये जो है एडमिशन क्वेरीज़ का भी है और ऑनलाइन एडमिशन क्वेरीज़ की भी डिटेल्स मैंने सेंड कर दी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।